डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे, कहा प्रोफेसर लाल ने। पंजाब के पूर्व डिप्टी स्पीकर प्रोफेसर दरबारी लाल के निवास स्थान ग्रीन एवेन्यू में भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की पुण्यतिथि पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की ओर से श्रद्धा सुमन भेंट किए गए। इस दौरान प्रोफेसर लाल ने कहा कि डॉक्टर सैफुद्दीन जहां एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, वहाँ दूसरी तरफ वे प्रतिष्ठित वकील और बड़े ही कामयाब सियासतदान भी थे। वह एक महान वक्ता थे जिनके भाषण लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। वे पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पहले प्रधान थे और बाद में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी भी बने। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी सन, जिन्होंने देश की आज़ादी विच इस नू हासिल करन वास्ते 14 साल अंग्रेजों की जेल विच रहना पिया। जिस वेले जलियांवाले बाग की घटना हुई, उस तो पहला कुछ दिन इन्हों अरैसट कर लिया गया सी। महात्मा गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 वाले दिन सारे देश विच हड़ताल करन दा फैसला किया। हकीकत विच 6 अप्रैल हिंदुस्तान का पहला दिन है इतिहासिक, जदों कश्मीर तो लैके कन्याकुमारी तक और गुजरात तो लैके बर्मा तक सारा देश उस दिन बंद रहा। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वो कांग्रेस के पहले पंजाब के प्रदेश प्रधान रहे, उस तो बाद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सैकटरी रहे, और उन्होंने नाल डॉक्टर सत्यपाल जिहड़े दो हीरो सन जलियांवाले बाग के। डॉक्टर सत्यपाल जिहड़े सन वह 1952 में इलेक्शन लड़े और इस पहली बारी साढ़े वो स्पीकर बने, और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू 1947 जिसले मुल्क कतलेआम शुरू हो गया, उन्होंने अमृतसर छड़ के ते दिल्ली सैटल होना पिया। उत्थे पंडित नहरू, मौलाना आज़ाद और बहुत सारे पुराने जड़े नेता सन, उन्होंने नाल उन्होंने जिंदगी बसर की। अज उन्हां दी डैथ एनिवर्सरी ते आओ असी सारे मिल के संकल्प करिए कि असी चंगे राष्ट्र की तामीर करिए, चंगे समाज का निर्माण करिए, जात पात नूं खत्म करिए, और सारे मिल के एक ऐसा हल्ला बोलीए कि देश विचों गरीबी खत्म की जाए, सब लोगों नूं अगे वधन का मौका मिले और भारत का नां दुनिया विच रोशन होवे। जय हिंद।